मैंने उसका स्वागत किया, समर्थन किया और उसके साथ साथ और अगर 9 तारीख को हमने ये कहा तो 16 तारीख को हमने स्पष्ट तौर पर ये कहा कि अकेले डीमोनेटाइजेशन से काले धन को समाप्त नहीं किया जा सकता और इसको हमने रिपीटेडली भी कहा इसके लिए जरूरी है कि इसके साथ साथ बेनामी संपत्ति पर भी हमला किया जाए और वो सिर्फ जमीन और मकान नहीं बल्कि सोना हीरा जैसी भी संपत्ति तब इसका कुछ होगा। और तीसरी बात उसके साथ साथ हमने यह भी कही है कि जब तक ये लीकर कायम नहीं होगा, शराबबंदी नहीं होगी, क्योंकि शराब का भी जो धंधा है वह भी 2 नंबर का पैसा बहुत जनरेट करता है। तो मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अकेले उससे वह चीज हासिल नहीं किया जा सकता है जिसके बारे में कहा गया है, यानी काले धन। और सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा 50 दिन का है, तो हम लोगों ने तो अपनी तरफ से कहा ही। और जहाँ तक लोगों की परेशानी का प्रश्न है, इस परेशानी को लेकर लोग चिंता प्रकट करते रहे। अब जहाँ तक आप हमसे व्यक्तिगत पूछ रहे हैं तो मेरा स्टैंड वो नोन है और इसके साथ जब तक ये सारी चीजें नहीं होगी काले धन पर काबू नहीं पाया जा सकता, मेरी अपनी समझ है और पहले भी हम बोल। जहां तक इस पर्टिकुलर एक चीज का प्रश्न है, इसका क्या परिणाम निकला, इसका क्या लाभ हुआ, क्या उसके बाद की स्थिति है, 50 दिन पूरा हो जाएगा तो पूरे तथ्यों के साथ उसका विश्लेषण करके जो बात कहनी होगी कहेंगे। लेकिन अब आप हमसे 30 तारीख के तुरंत बाद पूछिएगा तो मेरी प्रायोरिटी है प्रकाश पर्व और उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली कालचक्र भी हो रहा है, इसमें लाखों लोग दोनों जगहों पर देश विदेश से आने वाले, तो हमारी प्रायोरिटी वह होगी। और यह सब जब पूरा एनालिसिस कर लेंगे तो फिर क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो राष्ट्रीय विषय, इस पर पार्टियों को अपनी अपनी राय प्रकट करनी है और लोग कर रहे हैं, तो हम भी अपने पार्टी की पूरी मीटिंग करेंगे उसके बाद और उसमें एक एक बिंदु की समीक्षा करके फिर कहेंगे। अभी जो मेरा स्टैंड है वह भी पार्टी के लोगों से परामर्श कर